हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एचएफसीएल शेयर का टेक्निकल एनालिसिस, जो कि एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर अपन देखें तो एचएफसीएल जो है आज हमें अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो इस तेजी का क्या कारण है वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे तेजी कब तक कंटिन्यू रह सकती है, क्या आपके फ्रेश एंट्री के लेवल होंगे, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए, इस पर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएफसीएल का चार्ट लगा हुआ है और ये जो चार्ट आपके सामने लगा है, ये वाला जो चार्ट है आपका वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर एक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर यहां पर जो तेजी आई है उसको हम यहां पे बताएंगे कि आखिर वो तेजी क्यों आई है। उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि ये वाले रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं 93 रुपीज पे, एक यहां पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दो कैंडल है जो कि दोनों यहाँ पर रजिस्ट करने की कोशिश कर चुकी है। यहाँ से स्टॉक को मिला था ब्रेकआउट, इस वाले लेवल को आप देखेंगे, इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में तेजी आती है और ये तेजी 93 रुपीज तक कंटिन्यू यहाँ पर देखने को मिल जाती है। स्टॉक गिरावट के साथ नीचे आता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ यहाँ पर चला जाता है स्टॉक की 55 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। 55 पे जाने के बाद स्टॉक में ऊपर की तरफ तेजी आई है, लेकिन अब जो तेजी आ रही है उस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पर जो तेजी आई है यहां से जो ब्रेकआउट मिला है इसे आपको देखना होगा, क्योंकि बार बार यहां पर सपोर्ट लिया जा रहा है। आप देखिए, अब यहां पर फिर सपोर्ट लिया गया है, हर एक वीक में यहां पर लगभग सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से फिर एक तेजी हमें देखने को मिलती है और उसके बाद फिर यहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा सपोर्ट एचएफसीएल का, यहां पर आप देख रहे हैं। इसके बाद आप ऊपर की तरफ चलते हैं, हल्का फुल्का सा तेजी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, फिर आपको एक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट कितनी बार मिल गया आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अच्छी तेजी, सिर्फ एक ही कैंडल स्टॉक को बहुत ऊपर ले गई और यहाँ पर फिर गिरावट हुई। गिरावट हमारे एग्जैक्ट लेवल तक नहीं आई, लेकिन यहाँ से फिर तेजी आती है और ये तेजी वापस से 93 के लेवल पर एचएफसीएल के स्टॉक को लेकर के गई और यहाँ से हो गई गिरावट। अब ये जो गिरावट हुई है इसका सपोर्ट देखिए, आप इसके सपोर्ट को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। इसके बाद यहाँ से फिर तेजी आई है, 84 रुपीज़ तक तेज होने के बाद स्टॉक जो है क्या करता है यहाँ पे फिर एक गिरावट दिखाता है और ये वाली गिरावट देती है ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के साथ ही 55 रुपये के प्राइस पॉइंट तक ये फिर से आता है, जो कि इसके पहले भी एक बार यहाँ पर आ चुका है। इसी रेंज में स्टॉक फिर से लौटा ही था और वापस तेजी से ऊपर की तरफ निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ तक स्टॉक आया है और इस समय इसने रेड कलर की जो हमारी लाइन है 14 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, इसे यहाँ पर ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया 68 पे। कहाँ है हमारी ब्रेकआउट की लाइन आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि हाँ इस कारण यहां पर क्या हुई है, आज हमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि यहां पर मिल चुका है एक ब्रेकआउट। ये देखिए, इस लाइन से आपको यहां पर एक ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट ने यहां पर तेजी कर दी है। इस तेजी ने यहां 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को आज ब्रेक किया है और यदि ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो आपको ये स्टॉक 93 रुपीज तक जाता हुआ बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यदि आपने इसमें ऑलरेडी बाइंग कर चुकी है तो आप अभी प्रॉफिट को बुक मत कीजिए, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाया था 60 रुपए पे मैंने आपको बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, उस समय यहां सपोर्ट लेकर के स्टॉक ये ग्रीन कैंडल बना रहा था। तब मैंने कहा था कि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर का स्टॉक जाता है 60 पे तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। अगर आपने बाय किया है तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर हो रहा होगा, लेकिन यदि आपने बाइंग नहीं की है तो आप अभी भी बाइंग कर सकते हैं। 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो यहां पर ब्रेक हो चुकी है और ब्रेक होने के बाद यहां पर जो आपको टारगेट मिलने वाला है वो आपका रहेगा 93 रुपीज का। ये देखिए फ्रेंड, यदि आप 74 पे बाय करेंगे आपका 93 का टारगेट रहेगा और मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे 67 रुपीज का स्टॉप लॉस, जो कि अगली रेंज में अगर वापस लौट के आया 68 के नीचे तो ये नीचे 55 तक भी जा सकता है, इसलिए आप छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे जो कि आपका रहेगा 67 रुपीज का, जो कि 68 से 1 रुपया नीचे आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपका प्रॉफिट कितना होगा अगर 75 से 93 मतलब लगभग 20 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 18 से 20 रुपए का, और नीचे स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है तो आपको यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। तो ये था हमारा टेक्निकल व्यू एचएफसीएल स्टॉक को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।